नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अपनी जमीन पर फॉर्म पॉन्ड और तालाब बनाने पर सरकार उठाएगी खर्च। प्रदेश के 35,000 वार्डों में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। भ्रष्ट सीओ और आरओ के खिलाफ नीतीश सरकार करेगी कार्रवाई। बिहार के सभी जमीन के रिकॉर्ड्स इस साल से होंगे डिजिटल। भारतीय टीम के देश लौटने का इंतजार हुआ खत्म, आज शाम भारत के लिए रवाना होंगे स्टार्स। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदेश के 35,000 वार्डों में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज विभाग द्वारा हर वार्ड में ठोस एवं तरल कचरा उठाव की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण में पटना ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए 5,489 ग्राम पंचायतों के 74,326 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में शेष 2,534 ग्राम पंचायतों के 35,000 वार्डों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जानी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नदियों में जल स्तर बढ़ने से प्रदेश के 3 जिलों में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और नदियों के जल स्तर में वृद्धि की वजह से बिहार के 3 जिलों में बाढ़ का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। मधवापुर में साहर घाट में धौस नदी, ब्रह्मपुरी में यमुना नदी और पिरोकफर में रातो नदी के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। तो वहीं दरभंगा में कोसी, कमला और भूतही नदी के जल स्तर में वृद्धि की वजह से जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो इसके साथ ही सीतामढ़ी में बागमती नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है, जबकि सोनाखान में 60 सेनू जल स्तर के साथ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों में जल स्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों के निचले इलाके में मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट पानी आ गया है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। भ्रष्ट सीओ और आरओ के खिलाफ नीतीश सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। भ्रष्ट अंचला अधिकारी यानी सीओ और राजस्व पदाधिकारी आरओ के खिलाफ बिहार की नीतीश सरकार कठोर कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्ट सीओ और आरओ पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी राज्य के सभी पदाधिकारियों की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। अवैध तरीके से अर्जित की गई इन संपत्तियों की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने स्तर से जांच कराएगा। जरूरत पड़ने पर ईओयू की भी मदद ली जा सकती है। बता दें कि फिलहाल 90 से ज्यादा सीओ के खिलाफ जांच चल रही है। मेघ गर्जन और वज्रपात से मृतकों के आश्रितों को मिलेगी 4 लाख रुपए की राशि। बिहार में मॉनसून प्रवेश के साथ ही लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। वहीं इस बीच कई जगहों पर वज्रपात से कई लोगों के जान जाने की भी खबर सामने आ चुकी है। इसी संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 6 जिलों में वज्रपात से हुए 7 लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख अविलंब अनुग्रह अनुदान राशि देने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खराब मौसम में सतर्कता बरतने और वज्रपात से बचने के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन करने का निर्देश दिया है। बिहार के सभी जमीन के रिकॉर्ड्स इस साल से होंगे डिजिटल। इस साल से बिहार में जमीन के रिकॉर्ड्स पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। सभी जिला अभिलेखागार को डिजिटल लाइब्रेरी में बदल दिया जाएगा। इस साल 274 अंचलों को डिजिटल लाइब्रेरी में परिणत किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी राजस्व संबंधित रिकॉर्ड्स एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएंगे। इस कार्य को इस साल पूरा करने का निर्णय 4th कृषि रोड मैप में लिया गया है। इस साल इस काम पर 12.83 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि इससे पहले 260 अंचलों में डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूरा किया जा चुका है। बता दें कि जमीन के रिकॉर्ड्स डिजिटल होने से किसानों को उनके ग्राम आसानी से मानचित्र पर उपलब्ध हो जाएगा। आयरन की गोली की खपत में प्रदेश में हुए 300% की वृद्धि। महिलाओं में एनीमिया और आयरन की कमी एक बड़ी समस्या है, जो ज़्यादातर गर्भवती एथलीट और मासिक धर्म में ज़्यादा रक्तस्राव होने वाली महिलाओं में पाया जाता है। वहीं बिहार की महिलाएं अब एनीमिया के प्रति पहले से अधिक जागरूक हो गई हैं। राज्य में आयरन की टेबलेट की खपत के मामले में 300% तक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी वजह से प्रदेश में जटिल प्रसव प्रबंधन की स्थिति में भी पहले की तुलना में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है।
NFHS 5 की आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब आयरन की गोली का सेवन करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 9.3% हो गया है, जो 300.4% की वृद्धि है। बिहार की बेटी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में किया राज्य का नाम रोशन। बिहार के गया जिले की रहने वाली पूनम सिंह ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में 3 पदक जीतकर जिले तथा राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। कोलकाता में 28 जून से लेकर 30 जून तक आयोजित हुए इंटर साई आर्चरी में बिहार के गया जिले की रहने वाली पूनम सिंह ने भाग लिया था और एक एक कर 3 मेडल अपने नाम किए। इस टूर्नामेंट में देश भर से 18 टीमों ने हिस्सा लिया था। पूनम ने इंडिविजुअल वर्ग में कांस्य पदक, मिक्स टीम में रजत एवं टीम वर्ग में रजत पदक जीता है। बता दें कि पूनम इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी हैं। भ्रष्ट राजस्व अधिकारी को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई 10 साल की सजा। खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के राजस्व कर्मचारी रहे कैलाश रजक को विशेष निगरानी न्यायाधीश सुधेश श्रीवास्तव की अदालत द्वारा 50,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 3 धाराओं में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश ने 10 साल और 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं सजा के साथ साथ ही 50,000 का अर्थदंड भी देने का आदेश विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया है। वहीं विशेष न्यायाधीश द्वारा दोनों सजाओं को एक साथ चलाए जाने की बात कही गई है। बता दें कि राजस्व अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज को लेकर 10,000 रुपये की घूस की मांग की गई थी। अपनी जमीन पर फॉर्म पॉन्ड और तालाब बनाने पर सरकार उठाएगी खर्च। अपनी निजी या सामुदायिक जमीन पर कुआं और निजी भूमि पर तालाब और फॉर्म पॉन्ड बनाने की सोच रहे लोगों के लिए बिहार सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सिंचाई निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार अब उन लोगों को भारी सब्सिडी दे रही है जो अपने निजी या सामुदायिक जमीन पर कुआं और निजी भूमि पर तालाब और फॉर्म पॉन्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सिंचाई योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में 158 तालाब और 91 कूप यानी कि कुआं का निर्माण किया जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 249 संरचना के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ पाने के लिए किसान 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ बिहार के बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर के किसान उठा सकेंगे। 21 साल बाद रामलला के सामने पगड़ी उतारेंगे सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज पटना से अयोध्या रवाना हुए। वहीं कल 3 जुलाई को सम्राट चौधरी 21 महीने बाद भगवान रामलला के चरणों में अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। बीते दिन इसे लेकर पटना में कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए थे, जिसे भाजपा की तरफ से लगाए जाने की बात कही जा रही थी। दरअसल लगभग 2 साल पहले सम्राट ने सत्ता परिवर्तन के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं उतार देते तब तक वो पगड़ी नहीं उतारेंगे। हालांकि बाद में एनडीए की सरकार बन गई, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या में पगड़ी उतारने का ऐलान किया था। एमएलसी उपचुनाव के लिए जेडीयू प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा ने भरा नामांकन। 12 जुलाई को बिहार विधान परिषद की खाली 1 सीट पर चुनाव होना है। इस सीट के लिए आज यानी 2 जुलाई को जदयू प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। भगवान सिंह कुशवाहा के नॉमिनेशन के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बता दें कि यह सीट आरजेडी विधान पार्षद रामबली सिंह के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली हुई है। राजद की ओर से रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर तत्कालीन विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा रामबली सिंह की सदस्यता को 6 फरवरी को समाप्त कर दिया गया था। बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार पर एक बार फिर भर के तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अब इसी कड़ी में तेजस्वी ने बिहार की 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए मंगलवार को सुबह सुबह नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने रोहतास में एक लड़की के अपहरण के बाद उसकी हत्या एवं औरंगाबाद के नवीन नगर में हुए एक घटना को लेकर नीतीश सरकार पर भड़कते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को बिहार की कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। अपने औपचारिक एक्स हैंडल पर दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री को इससे कुछ लेना देना नहीं है।
कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार विधानसभा इलेक्शन के पहले बिहार में कुशवाहा राजनीति अपने चरम पर है। सभी पार्टी कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए अपनी अपनी तरफ से कुशवाहा वोटरों को खुश करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी नेता मीसा भारती के लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचने के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं, जिस पर आगामी दिनों में उपचुनाव होना है। वहीं अब मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि पार्टी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट पर राज्यसभा भेजेगी, जबकि 2 सीट पर जदयू अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं खबर के सामने आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार का नाम लेकर उन्हें धन्यवाद दिया है। राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश, अचानक हुई मुलाकात से बढ़ी सियासी हलचल। आज बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई। आज दोपहर सीएम नीतीश बिहार विधानसभा से सीधे राजभवन राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने पहुंचे। राजभवन में सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई, जिसके बाद सीएम अपने निवास लौट गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से कई मामलों और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की है। बता दें कि केंद्र में नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश पहली बार राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। भारतीय टीम के देश लौटने का इंतजार हुआ खत्म। आज शाम भारत के लिए रवाना होंगे स्टार्स। टी20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम करने के बाद भारत को चौथी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ है। तो वहीं चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ी जहां एक तरफ जल्द से जल्द ट्रॉफी लेकर भारत पहुंचना चाहती है, तो वहीं भारतीय फैंस भी अपने खिलाड़ी का देश लौटने के इंतजार में है। मगर बारबाडोस में रविवार की रात तेज बारिश के तूफान का रूप ले लेने की वजह से बारबाडोस की सरकार ने एयरपोर्ट बंद करते हुए लॉकडाउन लगा दिया था, और जिस वजह से भारतीय खिलाड़ियों की वतन लौटने में देरी हुई। वहीं अब बारबाडोस में तूफान थम चुका है और बारबाडोस लोकल समय अनुसार भारतीय टीम आज शाम 6 बजे दिल्ली के लिए चार्टर से रवाना होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नुनु गोपाल कुमार, मोहम्मद ब्रजेश राम, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नुनु गोपाल कुमार, मोहम्मद ब्रजेश, रवि कुमार गुप्ता, जितेंद्र ठाकुर, छोटू राजा, जितेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, बाबुल मरांडी, राम बाबू दास, राजेंद्र ऋषिदेव, रकीब रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, वरुण कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, उषा कुमारी, नौसाद रजा, संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।